बोले हो कभी? सीधे बोल देते हो क्या जाकर? नंदी के कानों में कहने का भी एक तरीका है, आप लोगों को मालूम होगा वो तरीका? नहीं मालूम? बेलपत्री की जो डंडी रहती है ना, बीच का जो भाग है, ध्यान दिए ना जरा सा, ये बीच की जो डंडी है, फिर से देखिए, बेलपत्री के दो पत्ते और उसके पास में जो बीच की जो डंडी का भाग है, दिख रहा है आप लोगों को? ये दो डंडी, ये बीच की दो पत्ती और उसके बीच में जो दो डंडी का भाग होता है। जब हम देवाधिदेव महादेव से कोई बात कहने वाले होते हैं ना कि बाबा बहुत दुखी हूँ, बाबा बहुत तकलीफ चल रही है, बाबा मैंने एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में परीक्षा दी है, बाबा मेरे जीवन में ये तकलीफ हो रही है बाबा, तब इस बेलपत्री की जो ये डंडी होती है, इस उंगली से, इस अंगुष्ठ से इस डंडी को पकड़ा जाता है और बाबा के कर्ण में कहने से पहले ये हाथ को नंदी के ऊपर रखकर फिर हम बाबा के नंदी के कानों में कहते हैं और चलते समय इस बेलपत्र को अशुभ सुंदरी की जगह पर चढ़ाकर वापिस सजाते हैं। देव अधिदेव महादेव को पार्वती की बात मानना ही पड़ती है और वो कहना ही। ये बेलपत्र की महत्व, ये जितना फल एक बेलपत्र की पत्ती में, उतना की उतना फल हम आपसे फिर कहेंगे। कभी मौका मिल जाए जिंदगी में, कभी तुम्हारे जीवन में अगर मौका मिले और कहीं बेलपत्री का वृक्ष मिल जाए जिसकी छांव तुम्हारे ऊपर पड़ रही हो, तुम्हारे ऊपर अगर बेलपत्री की छांव पड़ रही हो उसके नीचे बैठकर कभी मौका मिले, एक बेलपत्री का पत्ता मात्र रख कर आप शिव जी का नाम लेकर जल भी अगर समर्पित कर रहे हो ना, तो वो 12 ज्योतिर्लिंग को जल चढ़ाने के बराबर फल प्रदान कर। मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।